दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं यह जानने के दो तरीके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हेल्पलाइन नंबर है 1-4-5-5-5-1-4-5-5। इस नंबर पर कॉल करके और आप इसकी सूचना ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की साइट पर विजिट करके भी अपनी योग्यता चेक कर सकते हैं। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पर भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए तो आपको इसके लिए सबसे पहले mera.pmjay.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही यह पेज ओपन होगा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस पेज में आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद नीचे दिखने वाले कैप्चा कोड को भरना होगा। कैप्चा एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी का मैसेज आ जाएगा। मैसेज को देखकर 6 डिजिट का ओटीपी पासवर्ड टाइप कर दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद पेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें आपको भारत के जिस राज्य से नागरिकता प्राप्त है अपने राज्य का चुनाव कर लें। उसके बाद ये पेज कुछ ऐसा दिखेगा। इनमें आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, जिसमें पहला ऑप्शन है नेम, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, तीसरा ऑप्शन है राशन कार्ड नंबर, चौथा ऑप्शन है RSBY URN। अगर आप दूसरा ऑप्शन मोबाइल नंबर का चुनाव करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें अपना मोबाइल नंबर भरकर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे इस पेज में सर्चिंग चालू होगा और आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आप अपना नाम के द्वारा सर्च करना चाहते हैं तो इसमें पूरा डिटेल भरना होगा, आपका नाम, फादर नेम, अपना पर्सनल डिटेल भर के और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। आपके पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अगर इस पेज में नो रिजल्ट फाउंड दिखता है तो आप अपने नज़दीकी आयुष्मान मित्र से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके प्रयास के बाद रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप गेट SMS पर क्लिक कर दें। कुछ देर के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें HHID नंबर या RSBY URN और आपका डिटेल शामिल होगा। इस नंबर से आप भविष्य में फ्री में स्वास्थ्य बीमा के लिए लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपना नाम को लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप आयुष्मान मित्र से संपर्क स्थापित करके उसमें अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।